हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग एक्सपी। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप यूनिटी पर गेम आईडी यानी कि जो एडमोब का ऑल्टरनेटिव होता है एड्स आईडी कैसे बना सकते हैं। अभी एडमोब में क्या हो रहा है, एडमोब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है एड रेस्ट्रिक्शन का यानी कि एड लिमिट। आप कितना भी अच्छा एप्लीकेशन बना लीजिए, आपके एप्लीकेशन में ऑर्गेनिक डाउनलोड्स है, ऑर्गेनिक रीच है, फिर भी आपके अकाउंट पर एड्स लिमिट लग रहा है। उसका ऑल्टरनेटिव एक एड्स नेटवर्क है जो कि है यूनिटी। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप यूनिटी पर एड्स आईडी को कैसे जेनरेट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कम प्राइस में एंड्रॉइड स्टूडियो का सोर्स कोड बाई करना चाहते हैं तो आप codingxp.in/source code वाले सेक्शन में आ सकते हैं एंड यहाँ पे आपको कम प्राइस में अच्छा क्वालिटी का एंड्रॉइड स्टूडियो का सोर्स कोड मिल जाएगा। इसके आप अंदर जा सकते हैं एंड इसके अंदर आप जाके देखेंगे यहाँ पे आप एक डेमो एप्लीकेशन आपको मिलेगा, आप डेमो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए एंड उसके बाद यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल है उसको देखिए एंड ये सब देखने के बाद अगर आपका कोई भी सोर्स कोड अच्छा लग रहा है तो आप उसको सिंपली ऐड टू कार्ट करके बाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पूछना है तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर बात भी कर सकते हैं। आइए अभी वीडियो टॉपिक पर चलते हैं। यूनिटी एड्स अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली जाना है क्रोम के ऊपर एंड आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है यूनिटी डैशबोर्ड आपको सिंपली सर्च कर लेना है एंड आपको फर्स्ट वाला लिंक मिल जाएगा यूनिटी डैशबोर्ड। ये देखिए dashboard.unity3d.com, आपको सिंपली इसके अंदर जाना है एंड ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, आप सिंपली इसके अंदर जाएंगे एंड स्टार्टिंग में आपको इस तरह का एक स्क्रीन मिलेगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है एंड मेरा प्रोजेक्ट भी कुछ एडेड है, मैं अभी ऐड करके देख रहा हूँ, इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि इससे अच्छा अर्निंग होता है कि नहीं। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर लेना है। ये सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आप इजीली कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड देना है एंड ये सबको एग्री करना है, आई एम नॉट रोबोट करना है एंड क्रिएट यूनिट आईडी इसको इसके ऊपर क्लिक करना है। ये सिंपल है, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मेरा गूगल से लॉगिन है तो मैं यहाँ पे सिंपली गूगल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा ईमेल एड्रेस शो करेगा एंड जो भी ईमेल एड्रेस के थ्रू मैं यहाँ पे लॉगिन किया था उसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके प्रेस करूँगा तो मेरा आईडी लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए मेरा यहाँ पे लॉगिन हो गया है। अगर आपका यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है तो उसका जो लुक है इस तरीके से नहीं होगा, फिर भी आप इसको देख के अच्छे से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। आपको सिंपली प्रोजेक्ट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। मेरा यहाँ पे 2-3 प्रोजेक्ट यहाँ पे एडेड है, आपका यहाँ पे ब्लैंक होगा। आपको सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट, यहाँ पे एक ऐप यानी कि एक प्रोजेक्ट होता है, आपको सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नेम देना है। मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का नेम मान लीजिए डेमो दिया हूँ एंड मैं सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अगर आपका एप्लीकेशन 13 से नीचे टारगेट है तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपका जो भी क्राइटेरिया है उसको आप फिलअप करेंगे एंड आपका हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी मान लीजिए 13 से ऊपर है तो मैं सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा डेमो लिख के एंड देखिए नेक्स्ट इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे डेमो देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट दिखा रहा है डेमो एंड यहाँ पे इस तरीके से नेक्स्ट आएगा। आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में जाना है एंड यहाँ से आपको क्लिक करना है मोनेटाइजेशन के ऊपर। मेरा अभी प्रोजेक्ट ऐड हो गया है, प्रोजेक्ट यानी कि एक ऐप ऐड हो गया है। आप इसी तरीके से आपका जितना भी ऐप है इस तरीके से आप ऐड कर लेंगे एंड उसके बाद आप आएंगे मोनेटाइजेशन सेक्शन के ऊपर एंड आपको सिंपली क्लिक करना है गेट स्टार्टेड के ऊपर एंड देखिए यहाँ पे आप अगर मेडिएशन करना चाहते हैं, मान लीजिए आप एडमोब के साथ, फेसबुक के साथ और या फिर कोई और नेटवर्क के साथ मेडिएशन करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप सिर्फ यूनिटी एड्स को लगाना चाहते हैं तो आप सिर्फ आई ओनली प्लान टू यूज यूनिटी एड्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड नेक्स्ट आपके सामने इस तरह का पेज आएगा कि डू यू वांट टू यूज एड सेटिंग्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट और आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं फ्रेश करना चाहता हूँ, मैं क्लिक करूँगा नो आई वांट टू स्टार्ट फ्रेश एंड मैं सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे बोल रहा है क्या आपका एप्लीकेशन लाइव है प्ले स्टोर पर। देखिए यहाँ पे है एप्पल स्टोर, ये एक साथ काम करता है एप्पल के लिए एंड एंड्रॉयड के लिए। यहाँ पे दिखा रहा है हम लोग का एंड्रॉयड ऐप है। मैं यहाँ पे सिंपली इसको ऑफ कर दूंगा एंड नीचे स्क्रॉल करूंगा एंड आप देखना यहाँ पे प्ले स्टोर का URL देने के लिए बोल रहा है। आपको सिंपली यहाँ पे प्ले स्टोर का URL देना है एंड सिंपली एड प्रोजेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आपका एप्लीकेशन अभी लाइव नहीं है तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
यानी कि ऐप लाइव होने के बाद आपको आपका आपको यहाँ पे यूआरएल ऐड करना होगा बाद में, नहीं तो आपका जो एड्स है वो शो नहीं होगा। सो इस तरीके से आप सिंपली ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देखना यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पे आपको दे दिया है, ये है एप्पल आईडी, हम लोग का एंड्रॉयड है, इसको बोलते हैं गेम आईडी, यहाँ पे जो बोलते हैं इसको गेम आईडी। सो आपको ये गेम आईडी चाहिए एंड्रॉयड स्टूडियो में, मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपको दिखाऊंगा मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे गेम आईडी ऐड करना है, यहाँ पे गेम आईडी रहता है, उसके बाद आप ऐड फॉर्मेट का आईडी आपको मिल जाएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट है गेम आईडी जो रहता है। सो आपको इसी तरीके से एडेड दिख जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करना है एंड डन कर देना है एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करना है ऐड यूनिट्स इसके ऊपर। एंड जैसे ही आप यहाँ पे ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ है एंड्रॉयड गेम आईडी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको एप्लीकेशन में ऐड करना है। एंड यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एडेड है, आपको एडमॉप के जैसे क्रिएट नहीं करना पड़ता है बैनर इंटरस्टिशियल रिवॉर्डेड, यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ रहता है एंड ये यूनिवर्सल है, यानी कि सबके लिए सेम है। जैसे कि ये जो आईडी है रिवॉर्ड अंडरस्कोर एंड्रॉयड, ये सबके लिए सेम रहता है, यानी कि यूनिटी का हर एक प्रोडक्ट के लिए ये सेम रहता है। एंड ये देखिए बैनर iOS के लिए, एंड्रॉयड के लिए, हम लोग का ये वाला इंपॉर्टेंट है एंड्रॉयड का, हम लोग क्योंकि एंड्रॉयड में इसको ऐड करेंगे। सो आपको सिर्फ चाहिए ये वाला इंडस्ट्रियल एंड्रॉयड, आपको सिंपली इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है आपके जो भी प्रोजेक्ट है वहाँ पर। एंड ये देखिए ये है बैनर। सो आपको तीन चीज़ चाहिए यहाँ से, एक चाहिए गेम आईडी एंड एक चाहिए यहाँ पे बैनर, देखिए बैनर एंड्रॉयड इसको चाहिए एंड बैनर इंटरस्टिशियल एंड्रॉयड, यानी कि ये इंटरस्टिशियल सेट्स है। सो इसी तरीके से आप इजीली यूनिटी पर एड्स आईडी को क्रिएट कर सकते हैं एंड आपका जो एप्लीकेशन है उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। सो आज का वीडियो यही तक था। वीडियो अंत करने से पहले मैं अगेन बताना चाहूँगा, अगर आप कम प्राइस में एंड्रॉयड स्टूडियो का सोर्स कोड बाई करना चाहते हैं तो आप codingxp.in पर आ सकते हैं एंड यहाँ पे आपको कम प्राइस में बहुत सारा अच्छा एंड्रॉयड स्टूडियो का सोर्स कोड मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।